सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और मेरी यही दुआ है कि आप सभी आगे भी बढ़िया रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के एक और जबरदस्त वीडियो। मगर आप सभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपना सपोर्ट बनाए रखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है ब्रोली से और वो कहता है, चिल्लाई जल्दी यहाँ से जितनी दूर हो सके भाग जाओ। कुंभर कहता है, कोई कहीं नहीं जाएगा। ब्रोली बोलता है, क्या चाहते हो तुम। कुंभर कहता है, बदला। ब्रोली पूछता है, कैसा बदला, आखिर कौन हो तुम। शील्ड कहता है, मैं समझाता हूँ तुम्हें, दरअसल तुम और कुंभर दोनों ही एक लेजेंडरी फैमिली से ताल्लुक रखते हो और तुम्हारी फैमिली और कुंभर की फैमिली में परसों पहले दुश्मनी हो गई थी। दोनों की फैमिली एक दूसरे के जान के दुश्मन थे। कुंभर को ब्रोली को देखकर काफी गुस्सा आ रहा होता है। तभी चिल्ड कहता है, रुक जाओ कुंभर, तुम्हें मौका मिलेगा। ब्रोली कहता है, मैं तुम में से किसी को भी नहीं जानता हूँ, इसलिए प्लीज यहाँ से चले जाओ। चिल्ड कहता है, नहीं ब्रोली, मैं कुंभर को यहाँ पर एक दूसरी टाइमलाइन से इतनी मुश्किल से लाया हूँ और तुम होगी हमें जाने के लिए कह रहे हो। ब्रोली कहता है, तुम झूठ कह रहे हो, मैं किसी लेजेंडरी फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ। चिल्ड कहता है, हा, हा, हा। ब्रोली तुम सिर्फ आधा सच जानते हो। तुम्हारे पिता भले ही लेजेंडरी ना हो, मगर तुम्हारे अंदर जो पावर है वो उन महान योद्धाओं की है जिन्हें हजारों साल पहले देखा गया था। ब्रोली कहता है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। चिल्ड कहता है, क्योंकि तुम्हारे ही लोगों ने कुंभर के पेरेंट्स को मारा और अब वक्त आ गया है, अब कुंभर तुम्हें मारकर अपना बदला पूरा करेगा। तभी कुंभर ब्रोली को धमकाता है और कहता है, मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी पूरी रेस खत्म कर दूंगा। जब जब कोई लेजेंडरी सेंट पैदा होगा, मैं उसे मारने के लिए आता रहूंगा। चिल्लाई कहती है, ब्रोली मुझे डर लग रहा है। ब्रोली कहता है, चिल्लाई मैं इन्हें रोक रहा हूँ, प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ रहोगी तो मैं इनसे नहीं लड़ पाऊंगा। इसके बाद सीन जाता है गुहान पर और मरनो पर, और मरनो उसे स्पेस में एक अननोन प्लेनेट दिखाता है। मरनो बोलता है, तुम्हें यहाँ सांस लेने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना। गुहान कहता है, जरा भी नहीं। मगर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो। मीरस कहता है, मैंने कहा था ना कि तुम मुझे साबित करो कि तुम मेरे दिए गए मिशन को पूरा करोगे तो मैं तुम्हें इन्फर्नो पावर को देना शुरू कर दूंगा। गुहान अब एक गहरी सांस लेता है और कहता है, हाँ तुमने कहा था। मरनो कहता है, तो बस अब तुम्हें इस प्लेनेट को एक वार में तबाह करना है। गुहान पूछता है, इस प्लेनेट में ऐसा क्या है मरनो। मरनो बोलता है, इस प्लेनेट में करोड़ों लोग रहते हैं। गुहान बोलता है, मगर ऐसा करने पर वो सभी मारे जाएंगे, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं किसी मासूम की जान नहीं ले सकता हूँ। मरनो कहता है, तुम्हें ये करना ही होगा गुहान, इसे तुम एक तरह से बलि समझ लो। अगर तुम ऐसा करते हो तो इन्फर्नो पावर को तुम और शक्तिशाली बना पाओगे और इससे तुम्हारा टेस्ट भी होगा कि तुम इस पावर के लायक हो या नहीं। गुहान बोलता है, मगर तुम मुझसे ऐसा क्यों करवाना चाहते हो। मरनो बोलता है, तुम बहुत सवाल करते हो गुहान, अगर तुम ऐसा करते रहे तो गॉड लेवल तक कैसे जा पाओगे। तुमने कभी सोचा है कि गॉड ही हमेशा इमोर्टल बनते हैं, वो ही इतने पावरफुल क्यों होते हैं। क्योंकि वो किसी को मारते वक्त कुछ सोचते नहीं हैं, उनके सामने चाहे एक शख्स हो या फिर हजारों, वो उन्हें मारने में पीछे नहीं हटेंगे, उन्हें कोई अफसोस नहीं होगा कि उन्होंने ऐसा किया। तो तुम्हें भी उनके लेवल पर जाना है, बल्कि तुम्हें गॉड से भी ऊपर जाना है, इसलिए चलो खत्म कर दो इन्हें। गुहान अब बहुत ही सोचता है और वो अपना ध्यान आगे बढ़ाता है। मरनो गुहान को उकसाता रहता है और कहता है, चलो गुहान मारो इन्हें, तुम सबसे पावरफुल हो, तुम इमोर्टल हो, चलो खत्म करो इन्हें, तुम्हारे सामने ये बस कीड़े मकोड़े हैं, तुम्हें इनकी जिंदगी के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, चलो वार करो
और अपनी जिंदगी का पहला बेहतरीन मिशन पूरा करो। अब गोहान और भी डीपली सोचता है और मरनो से उकसा रहा है। मरनो कहता है, गोहान मेरी बात मानो, ये करने में तुम्हें शुरुआत में परेशानी होगी, मगर जब ये हो जाएगा तो तुम्हें मजा आने लगेगा। तुम इनके बाद कभी रिग्रेट नहीं करोगे। चलो अब इन्हें खत्म करो और अपने अंदर तुम शक्ति को आने दो जो तुम्हारे लिए बनी है। तभी गोहान एक जोरदार धमाका उस प्लैनेट में कर देता है और उस धमाके में पूरा प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। मरनो पूछता है, बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है गोहान? अब हमें गोहान एक डेंजरस स्माइल के साथ दिखाई देता है और वो कहता है, मुझे बहुत मजा आ रहा है, एक अलग ही सुकून मिल रहा है। मरनो कहता है, मैंने कहा था ना गोहान, तुम्हें इसमें बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो कहते हैं, मीरस मैंने बहुत सोचा और मुझे तुम्हारी बात एकदम सही लगी, मगर रूल तो रूल होते हैं, मैं तुम्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं दे सकता हूँ। मीरस बोलता है, मगर फादर ये तो गलत है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मुझे मत सिखाओ कि क्या गलत है और क्या सही। अब सीन जाता है राइकून पर और वो कहता है, डार्क एनर्जी मैं तुम्हें यहाँ आने का आदेश देता हूँ, डार्क एनर्जी तुम यहाँ पर आ सकती हो। राइकून अब डार्क एनर्जी की एक तरह से पूजा करने लगता है और वो बार बार उस एनर्जी को अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा होता है। राइकून कहता है, ये पूरा मल्टीवर्स तुम्हारा है, तुम यहाँ आ सकती हो। तभी उस प्लैनेट में अर्थक्वेक आने लगता है। राइकून कहता है, डार्क एनर्जी मैं तुम्हें यहाँ आने का आदेश देता हूँ। तभी वहाँ पर राइकून को एक एनर्जी महसूस होती है। राइकून बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर हो, इसलिए मेरे सामने आ जाओ, चलो अब और देर मत करो। तभी वहाँ पर एक डोर दिखाई देता है। राइकून उस डोर को देखकर खुश हो जाता है और कहता है, तो ये है वो दरवाजा जो पूरी शक्तियों तक ले जाती है। अब सारे मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, ग्रैंड प्रिंस जैनो सब मारे जाएंगे। अब सीन जाता है बीरस पर और वो कहता है, चैंपा कुछ आइडिया दो यार, हम उस राइकून को कैसे रोकें? चैंपा बोलता है, राइकून बड़ा ही शातिर है, उसे हम जाल में नहीं फंसा सकते हैं। वजीटा कहता है, मैं तो बोलता हूँ कि हम ग्रैंड प्रिस्ट को ये बात बता देते हैं। चैंपा बोलता है, तुम कैसी बात कर रहे हो वजीटा, अगर ग्रैंड प्रिस्ट को पता चला तो वो पहले मुझे मार देंगे। बीरस कहता है, तो फिर हम वहाँ पर गोकू को ही भेज देते हैं, क्योंकि वो ही अकेला ऐसा है जो राइकून को रोक सकता है। वजीटा कहता है, अगर कैकरोट उसे रोक सकता है तो मैं भी उसे रोक सकता हूँ। बीरस कहता है, वजीटा बच्चे मत बनो, तुम्हें पता है कि गोकू के पास कौन सी पावर है। अब सीन जाता है राइकून पर और वो सोच रहा होता है। राइकून कहता है, आखिर ये दरवाजा खोलेगा कैसे, कुछ तो ट्राई करना पड़ेगा। राइकून दरवाजे से कहता है, खुल जा सिम सिम, मगर वो दरवाजा खुलता नहीं। राइकून फिर से कोशिश करता है और कहता है, आबरा कडाबरा खुल जा दरवाजा। राइकून कहता है, अजीब मुसीबत है यार, अब ये कैसे खुलेगा। तभी मीरस वहाँ आ जाता है और कहता है, लॉर्ड राइकून ये दरवाजा कैसा है? राइकून मीरस को झूठ बोलता है, ये तो बस ऐसे ही है, मैं इसे ले आया हूँ, मुझे ये डोर काफी अच्छा लगा। मीरस कहता है, तो इसे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? राइकून कहता है, मैं सोच रहा था कि ऐसा ही डिजाइन वाला एक डोर मेरे घर में भी हो, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? मीरस कहता है, सच सुनना है आपने, मुझे ये डोर पसंद नहीं आया है। राइकून कहता है, ओके तो तुम अपना काम क्यों नहीं कर लेते हो? मीरस कहता है, जी लॉर्ड राइकून। अब मीरस वहां से चला जाता है। राइकून डोर से पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ। तभी हम देखते हैं कि वो गेट राइकून को इशारा करके कहता है कि उसे की जरूरत है। राइकून पूछता है, कैसे की? अब हमें उस गेट में इन्फर्नो लिखा नजर आता है।
अब सीन जाता है तूफान पर और वो बोलता है, तुम क्या ऐसे ही मजे करते रहते हो? तुम्हें लोगों को मारने में मजा आता है? मरनो कहता है, नहीं, ये सब तो मैं बस दूसरे लोगों की मदद करने के लिए करता हूँ, ताकि वो आगे जाकर एक बेहतरीन फ्यूचर बना सके। खैर, मेरी छोड़ो और ये बताओ कि अब तुम राइकुन को मारने कब जाने वाले हो? गोहान पूछता है, क्या मैं रेडी हो गया हूँ? मरनो कहता है, हाँ, अब तुम रेडी हो, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम्हें उसे जिंदा नहीं छोड़ना है। इस पावर का यही रूल है, तुम्हें किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना है। गोहान कहता है, तो ठीक है, तैयारी करो मेरे जाने की। अब सीन जाता है ब्रोली पर और वो कहता है, बस बहुत हुआ, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास, अब जाओ यहाँ से। चिल्ड कहता है, लगता है तुम ऐसे हमारी बात नहीं समझोगे, अब हम तुम्हें दो चांस दे रहे हैं, या तो मेरे साथ चलो और या फिर कुंबर के हाथों मरो। तभी ब्रोली कहता है, लगता है कि सबसे पहले तुम्हें ही ठिकाने लगाना पड़ेगा। चिलई कहती है, रुक जाओ ब्रोली। ब्रोली अब चिल्ड की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी कुंबर अपने एक ही पंच में ब्रोली को दूर गिरा देता है, जिसे देखकर चिल्ड को बहुत ही मजा आता है। चिल्ड कहता है, ब्रोली ब्रोली, अभी मैंने लड़ाई शुरू नहीं करी और तुम पहले ही लड़ाई शुरू कर रहे हो। लड़ाई से पहले क्या तुमने ये सोचा कि तुम्हारी दोस्त अगर इस लड़ाई में मारी गई तो? ब्रोली बोलता है, अगर इसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। चिल्ड कहता है, बहुत प्यार है तुम्हें इससे, तो इसकी जान अगर बचाना चाहते हो तो चलो हमारे साथ, हमारे गुलाम बन कर रहो। ब्रोली अब बहुत ही सोचने लगता है। अब सीन जाता है गोकू पर और वो कहता है, लॉर्ड बीरस, मगर मैं वहाँ क्या करूँगा? बीरस कहता है, गोकू, अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, तुम ही उस राइकुन को रोक सकते हो। गोकू बोलता है, मगर मुझे क्या करना होगा? चैंपा कहता है, राइकुन एक हेल का गेट खोलना चाहता है, तो तुम्हें बस उसे ही रोकना है। गोकू कहता है, अच्छा, मगर वो गेट दिखता कैसा होगा? चैंपा कहता है, मुझे नहीं पता, मगर हमें जल्दी करनी होगी, अगर उसने उस गेट को खोल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। गोकू कहता है, आप कहते हो तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ वहाँ पर। वजीटा कहता है, कैकरोट, मैं अगर साथ नहीं जा रहा हूँ तो खुद को अकेला मत समझना। गोकू कहता है, हाँ बिल्कुल वजीटा, तुम फिक्र मत करो। अब सीन जाता है राइकुन पर और वो कहता है, लगता है कि ये दरवाजा किसी की शक्तियों से खुलेगा, मगर कौन हो सकता है वो? और तभी वहाँ आ जाता है गोहान और वो कहता है, मैंने कहा था ना कि मैं कभी भी आ सकता हूँ। अब गोहान के आने से वो गेट थोड़ा चमकने लगता है। राइकुन कहता है, क्या गोहान ही वो शख्स है जो इस गेट को खोल सकता है? अब मैं समझ गया। गोहान कहता है, राइकुन, चलो उस मैच को पूरा करते हैं जो हमने बीच में छोड़ दिया था। राइकुन कहता है, गोहान आओ, स्वागत है तुम्हारा, मैं भी तुम्हारा ही वेट कर रहा था, अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा, तो चलो दो दो हाथ कर लेते हैं। राइकुन कहता है, चलो गोहान, देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। तभी राइकुन बहुत तेजी से गोहान की तरफ आता है, मगर गोहान राइकुन के एक ही पंच मारता है, जिससे राइकुन पीछे हट जाता है। राइकुन स्माइल करके कहता है, वाह, अब जाकर लग रहा है कि तुम पावरफुल हो गए हो। गोहान कहता है, जल्दी से हमला करो, वरना मैं मारना शुरू करूंगा तो तुम्हें खत्म करके ही रहूंगा। राइकुन अब गोहान पर अपनी एनर्जी से हमला करता है, मगर गोहान आराम से उससे बच जाता है। तभी राइकुन गोहान के पंच मारने जाता है, लेकिन गोहान इतनी स्पीड में वहां से हट जाता है कि उसे राइकुन का पंच लगता ही नहीं। राइकुन कहता है, तुम अचानक से इतने स्ट्रोंग कैसे हो गए? गोहान कहता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें सारी कहानी बताऊं। तभी गोहान अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बोलता है, राइकुन, अब तुम्हारा अंत यहीं पर होता है। लेकिन तभी राइकुन मीरस को आवाज लगाता है और कहता है, मीरस, मेरे पास आओ।
और उसी वक्त वीरस वहां आ जाता है और वो गोहान को देखकर बोलता है, गोहान तुम फिर यहां आ गए। गोहान अब मीरस को देखकर कहता है, मीरस सामने से हटो। मीरस बोलता है, यहाँ पर क्या चल रहा है लॉर्ड राइकून? राइकून कहता है, मीरस देखो ये मुझे मारने आया है। मीरस ये सुनकर शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या? गोहान कहता है, तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? मीरस बोलता है, रुक जाओ गोहान, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। गोहान बोलता है, तुम ये मत समझो कि मैं तुम्हारे रोकने से रुकूंगा। अब हमें राइकून स्माइल करता दिखाई देता है। मीरस कहता है, गोहान तुम पागल मत बनो, अगर तुमने लॉर्ड राइकून को मारा पूरा मल्टीवर्स तुम्हें मारने के लिए पीछे पड़ जाएगा। गोहान बोलता है, ये मेरी लास्ट वार्निंग है मीरस, अगर तुम नहीं हटते तो मैं तुम्हें रास्ते से हटा दूंगा। मीरस अब गोहान की बात सुनकर शॉक हो जाता है और बोलता है, इसका मतलब तुम मुझे मारोगे? तभी गोहान मीरस पर एक एनर्जी अटैक करता है जिससे मीरस बच जाता है, लेकिन मीरस को बहुत ही हैरानी होती है कि उस पर गोहान ने हमला किया। राइकून अब हंस रहा होता है और कहता है, मुझे पता था कि तुम पूरी तैयारी के साथ मुझसे लड़ने आओगे, मगर मैं भी तुमसे डरता नहीं हूँ। तभी राइकून अपनी टेक्निक से चारों तरफ धुआं ही धुआं कर देता है, जिस वजह से गोहान को राइकून नजर नहीं आता। गोहान कहता है, बाहर आ जाओ राइकून, छुपने का कोई फायदा नहीं है। अब हमें दिखाया जाता है कि राइकून उस रेड डोर के सामने जाकर खड़ा होता है और कहता है, अब इस डोर को गोहान ही खोलेगा। लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि गोहान तो राइकून के साइड में आ चुका है और वो कहता है, क्या तुम्हें मैं इतना बेवकूफ लगता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर ढूंढ नहीं पाऊंगा? राइकून ये देखकर शॉक हो जाता है और तभी गोहान एक जोरदार पंच राइकून के लगाता है जिससे राइकून जख्मी हो जाता है। अब हमें मीरस दिखाया जाता है। लगता है गोहान को मुझे बेहोश करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए मुझे मेरी गन की जरूरत होगी। राइकून कहता है, गोहान तुम तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, लगता है कि मैं तुमसे लड़ नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो गोहान। अब गोहान राइकून के पास आ जाता है और कहता है, याद करो उस दिन को और आज के दिन को, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है राइकून, लेकिन मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा जानना चाहता हूँ। राइकून कहता है, मेरी आखिरी इच्छा ये। और तभी राइकून गोहान के पास से ही एनर्जी बॉल मार देता है जिससे एक ब्लास्ट हो जाता है और गोहान थोड़ा जख्मी हो जाता है। राइकून कहता है, कैसी लगी गोहान? गोहान अब हंसने लगता है। तुम्हें क्या लगा कि तुमने मुझे बहुत बड़ी चोट पहुंचा दी? अब गोहान खुद को हील कर देता है और उसकी चोट खुद ब खुद ठीक हो जाती है। राइकून कहता है, ओह हीलिंग टेक्निक, ये तो बहुत कम लोगों के पास देखने को मिलती है। गोहान कहता है, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है राइकून, क्योंकि तुम्हारी हर टेक्निक का तोड़ मेरे पास है और अब मैं तुम्हें तुम्हारे ही यूनिवर्स में मारूंगा। तभी गोहान राइकून की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ता है, मगर उसी वक्त राइकून गोहान पर अपनी ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसे गोहान को थोड़ी देर कुछ दिखाई नहीं देता और तभी राइकून अपना जोरदार पंच गोहान के मार देता है जिससे गोहान काफी दूर चला जाता है। राइकून कहता है, मुझे कैसे भी करके गोहान की एनर्जी का यूज गेट पर करना होगा। लेकिन तभी गोहान तेजी से आता है और राइकून को किक कर देता है। गोहान कहता है, तुम मुझ पर अब कितने भी वार क्यों ना कर लो, मुझे कोई असर नहीं होने वाला है। राइकून बोलता है, ये तो हार ही नहीं मान रहा है। अब गोहान राइकून की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगता है और कहता है, अब तुम्हारी सारी ताकत मेरी होती है। लेकिन तभी सामने मीरस अपनी गन लेकर आ जाता है और कहता है, रुक जाओ वहीं पर गोहान। गोहान कहता है, ये पिचकारी वाली बंदूक मेरा क्या बिगाड़ लेगी। तभी मीरस अपनी गन से गोहान पर फायर कर देता है, मगर गोहान की एनर्जी उस गन से इंक्रीज हो जाती है।
गोहान कहता है, वाह, इसने तो मुझे और भी स्ट्रॉन्ग बना दिया है। तभी राइकून अपनी एनर्जी बॉल गोहान पर मार देता है, लेकिन गोहान उस बॉल को तबाह कर देता है। ये देखकर राइकून शॉक्ड हो जाता है। राइकून कहता है, ये रुकने वालों में से नहीं है। गोहान कहता है, अब बस बहुत हुआ, तुम्हें अब मरना होगा राइकून। राइकून कहता है, इससे पहले कि ये मुझे मारे मुझे कुछ करना ही होगा। अरे हाँ, मेरी पोजेसिंग टेक्निक कब काम आएगी? इससे मैं गोहान को भी हरा दूंगा और इस गेट को भी खोल पाऊंगा। हाँ, ये सही रहेगा। और तभी गोहान अपनी एनर्जी को बढ़ाने लगता है और कहता है, राइकून, अब मेरा बदला पूरा होने वाला है। गोहान अब अपनी एनर्जी चार्ज ही कर रहा होता है कि तभी राइकून कहता है, पोजेस, और गोहान वहीं पर रुक जाता है। अब हमें दिखता है कि राइकून गोहान के माइंड में चला गया है, और अब हमें दिखाया जाता है कि राइकून के सामने मरनो खड़ा है जो कि स्माइल कर रहा होता है। मरनो कहता है, मुझे मालूम था कि तुम गोहान के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश जरूर करोगे। राइकून कहता है, कौन हो तुम? मरनो कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मेरे बारे में नहीं जानता है। राइकून कहता है, मैं इसकी बॉडी को क्रश कर दूंगा, साथ में तुम्हें भी। मरनो कहता है, अच्छा, अगर दम है तो कोशिश कर लो। अब हमें राइकून असली वर्ल्ड में नजर आता है और वो बोलता है, ये क्या, मेरा कंट्रोल उसके माइंड से हट गया? गोहान कहता है, तुम्हारी ये टेक्निक अभी काम नहीं आई। राइकून अब ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये कैसे पॉसिबल है? ये पक्का इसके अंदर का वो शैतान करवा रहा है। गोहान कहता है, अब तुम्हारे पास कुछ बचा है? राइकून कहता है, नहीं, मेरी सारी टेक्निक खत्म हो गई है, मगर एक टेक्निक किसी और की बची है। और तभी हम देखते हैं कि गोहान फ्रीज होने लगता है। ये गोहान को समझ ही नहीं आ रहा होता, लेकिन हम देखते हैं कि अब ग्रैंड प्रिस्ट वहां पर आ चुके हैं। गोहान ग्रैंड प्रिस्ट को देखकर सीरियस हो जाता है और बोलता है, ये कहां से आ गए हैं? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो तुम यहां पर हो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ आओगे गोहान। गोहान कहता है, आप मेरे रास्ते में मत आइए ग्रैंड मिनिस्टर। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मुझे लगा नहीं था कि तुम भगोड़े बनोगे, मुझे लगा कि तुम सुधर रहे हो। अब गोहान के अंदर मरनो कहता है, गोहान, अभी यहाँ से चले वरना ये हमें कैद कर लेगा। गोहान मन में कहता है, मगर राइकून। मरनो बोलता है, उसे हम बाद में देख लेंगे। गोहान बोलता है, ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, मगर वापिस जरूर आऊंगा। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, कहाँ जा रहे हो गोहान? मैंने तुम्हें अभी जाने की इजाजत नहीं दी है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट गोहान को वहीं रोक देते हैं। गोहान कहता है, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ? मरनो कहता है, गोहान, ग्रैंड प्रिस्ट के पास अभी हमसे कई गुना ज्यादा ताकत है, इसलिए हम अब फंस चुके हैं। गोहान कहता है, नहीं, मैं फंस नहीं सकता हूँ, अभी मुझे कई काम करने हैं, तुम जल्दी से मुझे यहाँ से निकालो। मरनो कहता है, रुको, मैं कुछ करता हूँ, तुम बस हिम्मत मत हारना गोहान। गोहान कहता है, ठीक है, मगर जल्दी करो। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, गोहान, अब तुम्हें पहले से भी ज्यादा सजा मिलेगी क्योंकि तुम अब क्रिमिनल बन गए हो। तभी वहां पर गोकू भी पहुंच जाता है और मरनो गोकू को देख लेता है और वो गोहान को कंट्रोल करके बोलता है, डैड, मुझे बचाइए। अब गोकू वहां का सीन देखकर एकदम शॉक हो जाता है और कहता है, गोहान, तुम यहाँ? गोहान कहता है, डैड, मेरी मदद कीजिए, ये लोग मुझे कैद कर रहे हैं। गोकू अब ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ देखकर कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, आप ये क्या कर रहे हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, गोकू, गोहान हमारी जेल से भागा है, इसलिए उसे सजा देनी होगी। गोहान बोलता है, क्या अब भी आप मुझे नहीं बचाओगे डैड? ये देखिए, इन्होंने मुझे कितनी चोट पहुंचाई है। गोकू को अब गोहान की हालत देखकर ग्रैंड प्रिस्ट पर गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, उसे छोड़ दो ग्रैंड मिनिस्टर। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, गोकू, पागल मत बनो, गोहान को अभी जाने दिया
तो ये क्राइम करता चला जाएगा। गोकू कहता है, आपने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? ग्रैंड पृष्ठ को अब मजबूरी में गोकू की बात माननी पड़ती है और वो जैसे ही गोहान पर से अपना मैजिक हटाता है, गोहान एक स्माइल के साथ वहां से गायब हो जाता है। अब सीन जाता है मार्गरेटा पर और वो कहती है, लॉर्ड बेलमोंट, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते हो। मुझे पता है कि आप अभी भी मरे नहीं हो, क्योंकि आप जिस रेस से बिलोंग करते हो वो रेस ब्लैक मैजिक पर विश्वास रखती है, और अब मैं भी उसी ब्लैक मैजिक का यूज करके आपको वापस लाऊंगी, ये मेरा वादा है, और फिर आप खुद अपनी मौत का बदला लेना। अब हम देखते हैं जीरेन मार्गरेटा की बातें सुन रहा होता है और वो कहता है, इसका मतलब लॉर्ड बेलमोंट को वापस बुलाया जा सकता है, अगर ऐसा हुआ तो कमाल हो जाएगा, ये बात मुझे टोपो को बता देनी चाहिए है। बात होती है गोहान मरनो से। मरनो गोहान से कहता है, आज तो बाल बाल बच गए। गोहान पूछता है, क्या तुम ग्रैंड मिनिस्टर से डरते हो? मरनो बोलता है, अरे नहीं, मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही थी कि कहीं वो दोबारा तुम्हें जेल में ना डाल दे। गोहान कहता है, तो क्या हुआ, हम फिर से भाग जाएंगे? मरनो कहता है, तुम पागल हो क्या, इस बार वो और स्ट्रॉन्ग जेल बनाता जहाँ पर से तुम कभी भी नहीं आ पाते। गोहान कहता है, इसका मतलब कि अब हम कभी भी राइकून को नहीं मार पाएंगे। मरनो कहता है, नहीं, उसे हम मारेंगे, और वो भी आज ही के आज। गोहान पूछता है, मगर कैसे? अब तो सभी को पता चल चुका है कि मैं राइकून को खत्म करना चाहता हूँ। अब सीन जाता है ग्रैंड पृष्ठ पर और वो गोकू को सीरियस नजरों से देख रहे होते हैं। ग्रैंड पृष्ठ कहते हैं, गोकू, क्या तुम अब ऐसे ही करते रहोगे? मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, तो तुम हमारी मजबूरी का फायदा उठाओगे। राइकून कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, ये तो सिर्फ अपनी फैमिली को ही बचाएगा, इसे कहाँ बड़ी है मल्टीवर्स की, भले ही वो क्रिमिनल है मगर वो है तो इसका बेटा ही। गोकू गुस्से में कहता है, गोहान क्रिमिनल नहीं है, और उसके बारे में कुछ भी गलत मत बोलो वरना मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा। ग्रैंड पृष्ठ कहते हैं, ये क्या बदतमीजी है गोकू, तुम गोहान की साइड क्यों ले रहे हो? गोकू कहता है, क्योंकि सच्चाई का मुझे पता चल चुका है, गोहान ने कोई क्राइम नहीं किया। ग्रैंड पृष्ठ बोलते हैं, तो फिर किसने क्राइम किया है गोकू, बताओ। अब गोकू राइकून की तरफ देखने लगता है। राइकून कहता है, ये मेरी तरफ क्यों देख रहा है, तुम्हें क्या लगता है कि ये मैंने किया? ग्रैंड पृष्ठ कहते हैं, गोकू सच्चाई बताओ क्या है? गोकू कहता है, राइकून ही वो है जिसने गोहान से फाइट में गलतियां करवाई। राइकून कहता है, ये झूठ कह रहा है ग्रैंड मिनिस्टर, मैंने कुछ भी नहीं किया। गोकू कहता है, मुझे पता है कि आप अभी मेरी बातों का विश्वास नहीं करोगे क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन बहुत जल्द मैं सबूत भी लाकर दे दूंगा। ग्रैंड पृष्ठ अब राइकून की तरफ देखते हैं। राइकून डर के मारे कहता है, नहीं ग्रैंड मिनिस्टर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरा यकीन करिए। ग्रैंड पृष्ठ बोलते हैं, अगर गोहान निर्दोष है तो वो ऐसे भागता क्यों फिर रहा है, उसे मुझसे बात करनी चाहिए। गोकू कहता है, क्योंकि वो जानता है कि आप उसकी बात नहीं सुनोगे, इसलिए वो चला गया, मगर मैं उसे वापस लेकर आऊंगा और तब आपको सच्चाई का पता चलेगा। अब सीन जाता है मरनो पर और वो कहता है, गोहान, तुम्हें अपने डैड को खत्म करना होगा। गोहान ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, अब ये ज्यादा हो रहा है मरनो, मैं अपने डैड को कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मरनो स्माइल करता है, तो तुम्हें ग्रैंड पृष्ठ को खत्म करना पड़ेगा। गोहान कहता है, नहीं, ये भी मैं नहीं करूंगा। मरनो कहता है, तो तुम कैसे राइकून को मारोगे, क्योंकि वो दोनों हमारे रास्ते में है। गोहान कहता है, तो एक काम करते हैं, हम फादर और ग्रैंड मिनिस्टर को बिजी कर देते हैं ताकि मुझे राइकून को खत्म करने का मौका मिल सके। मरनो बोलता है, ये आइडिया भी अच्छा है। गोहान कहता है, लेकिन उसके लिए मुझे मेरे क्लोन की जरूरत पड़ेगी। मरनो कहता है, वो काम मैं कर दूंगा, मेरे मैजिक से मैं तुम्हारे ही एक वर्जन को यहाँ ले आऊंगा।
अब सीन जाता है राइकुन पर और वो मीरस को डांट रहा होता है और बोलता है, अरे यार तुम कैसे एंजल हो, तुम मेरी रक्षा करने आए हो या मैं तुम्हारी? मीरस कहता है, मैं आपको बचाने बीच में आया तो था लॉर्ड राइकुन। राइकुन कहता है, अब ग्रैंड मिनिस्टर की नजर मेरे ऊपर रहेगी क्योंकि उन्हें मुझ पर शक हो गया है। इन दोनों बाप बेटों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मीरस कहता है, वैसे वो लोग अपनी जगह पर सही हैं क्योंकि आपने चीटिंग की है। राइकुन कहता है, इससे पहले कि मेरा गुस्सा बढ़ जाए तुम निकल लो यहाँ से। मीरस कहता है, वैसे लॉर्ड राइकुन आपका वो दौर नजर नहीं आ रहा है। राइकुन कहता है, तुम अपने काम पर ध्यान दो बस। अब हम देखते हैं कि मीरस के स्टाफ में से विश कनेक्ट हुआ होता है और वो सब कुछ लाइव देख रहा होता है। विश कहता है, लॉर्ड मीरस, राइकुन को वो डोर मिल चुका है लेकिन उसकी की उसके पास नहीं है। मीरस कहता है, तो पता करो वो की कहाँ है। इसके बाद सीन जाता है गोकू और ग्रैंड पृष्ठ पर। गोकू कहता है, मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए ग्रैंड मिनिस्टर, मगर हम गोहान को क्रिमिनल मानकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ग्रैंड पृष्ठ कहते हैं, देखो गोकू, इस वक्त गोहान बेकसूर है, इसके हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है और अब तो वो और भी बड़ा क्राइम करने जा रहा था। वो राइकुन को मारने जा रहा था और मुझे यकीन है कि वो फिर से राइकुन पर हमला करने के लिए आ जाएगा। तभी वहाँ पर हमें गोहान का एक वर्जन नजर आता है और वो कहता है, डैड मैं वापस आ गया हूँ। अब गोकू और ग्रैंड पृष्ठ गोहान को देखकर थोड़े हैरान हो जाते हैं। गोकू कहता है, गोहान तुम यहाँ और तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? गोहान कहता है, मैंने गुनाह किया है इसलिए मैंने खुद को सजा दी। गोकू ये सुनकर शॉक हो जाता है। ग्रैंड पृष्ठ कहते हैं, क्या तुमने ही अपने हाथ को काट डाला? गोहान कहता है, हाँ ग्रैंड मिनिस्टर ये मैंने ही किया। गोकू कहता है, गोहान ये तुमने क्या कर दिया, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? गोहान कहता है, मैं बस पश्चाताप करना चाहता था डैड। गोकू ग्रैंड पृष्ठ से कहता है, क्या अब भी आप यही कहोगे कि गोहान दोषी है? ग्रैंड पृष्ठ गोहान से पूछते हैं, गोहान तुम अचानक से यहाँ क्यों आए? गोहान कहता है, क्योंकि मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है और मैं यहाँ सरेंडर करने के लिए आया हूँ। गोकू कहता है, जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो सरेंडर किस बात के लिए गोहान? ग्रैंड पृष्ठ अब गोहान को थोड़ी शक की नजरों से देखते हैं। उन्हें गोहान में कुछ गड़बड़ नजर आती है। ग्रैंड पृष्ठ कहते हैं, यहाँ कुछ तो चल रहा है। अब सीन जाता है राइकुन पर और असली गोहान वहाँ पर आया हुआ होता है। राइकुन गोहान से कहता है, गोहान मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। गोहान कहता है, इससे अच्छा मौका मुझे और कहाँ मिलेगा राइकुन? राइकुन कहता है, नहीं सुनो, मेरे पास कुछ है जिसे देखकर तुम खुश हो जाओगे। गोहान बोलता है, अच्छा और क्या है वो चीज? राइकुन स्माइल करके कहता है, मेरे पास एक डोर है। गोहान पूछता है, क्या कहा? एक डोर? तुम्हें क्या मैं डोर के लिए छोड़ दूंगा? पागल हो गए हो क्या? राइकुन बोलता है, वो कोई ऐसा वैसा डोर नहीं है, वो एक डार्क एनर्जी वाला डोर है जिसे खोलने पर हमें ऐसी दुनिया देखने को मिलेगी जो सबसे पावरफुल होगी। अब हमें मरनो गोहान के अंदर दिखाई देता है और वो बोलता है, ये कैसे डोर की बात कर रहा है? राइकुन कहता है, इस डोर की सिर्फ तुम ही हो गोहान, सिर्फ तुम। गोहान अब मन में मरनो से बोलता है, अब क्या करना है मरनो? मरनो कहता है, पहले हम उस डोर को देखेंगे फिर हम फैसला करेंगे। गोहान बोलता है, पहले उस डोर को यहाँ लेकर आओ फिर मैं कुछ सोचूंगा। अब राइकुन अपने मैजिक से उस डोर को लेकर आता है और बोलता है, ये देखो ये है वो डोर। अब इस डोर को देखने के बाद मरनो खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह आखिरकार मुझे वो मिल ही गया। गोहान पूछता है, क्या करना है अब मरनो? मरनो कहता है, ऑफर तो बेहतरीन है मगर अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। गोहान पूछता है, तुम्हारा मतलब डोर से है? मरनो कहता है, नहीं
मैं इस राइकून की बात कर रहा हूँ। राइकून कहता है, अब तुमने प्रॉमिस किया है कि तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे। गोहान पूछता है, कौन सा प्रॉमिस राइकून? राइकून को गोहान की बात पर गुस्सा आता है कि तभी गोहान राइकून के सामने अपना हाथ करता है और बोलता है, धोखा देने वाले के साथ ऐसा ही होना चाहिए। और तभी वहां पर गोहान एक जोरदार धमाका कर देता है। अब सीन जाता है गोकू पर और वो कहता है कि मुझे बहुत खुशी हुई गोहान कि तुम वापस आ गए मेरे पास। गोहान कहता है, मुझे भी काफी खुशी हो रही है डैड। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मगर तुम्हारी खुशी दिखाई नहीं दे रही है गोहान। गोहान को ग्रैंड प्रिस्ट की बात पर गुस्सा आता है और वो बोलता है, मैं खुश तो हूँ, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, क्योंकि तुम गोहान हो ही नहीं। गोकू ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट से बोलता है, आप ये क्या कह रहे हो ग्रैंड मिनिस्टर, ये गोहान नहीं है तो कौन है? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ये एक ट्रैप है गोकू, जिसमें हम दोनों फंस गए हैं। गोहान कहता है, डैड आप इसकी बात पर यकीन मत कीजिए, ये झूठ कह रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, गोहान तो मुझसे तमीज से बात करता था, अगर तुम तो बहुत ही बदतमीज हो। गोहान कहता है, तुम कितना भी झूठ बोल लो मगर डैड मेरी ही सुनेंगे। गोकू अब कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, गोकू तुम मेरा यकीन करो, ये वो गोहान नहीं है जिसे तुम समझ रहे हो। गोहान कहता है, डैड आप इसका यकीन मत करो, आपको तो पता ही है ना कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। तभी गोहान पर ग्रैंड प्रिस्ट अपनी एनर्जी मारते हैं, जिससे गोहान एक धुएं में बदल कर गायब हो जाता है। गोकू ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ये बस एक छलावा था ताकि हमारा ध्यान भटक सके। गोकू कहता है, इसका मतलब ये सब एक ट्रैप था, लेकिन ये सब कौन कर रहा है? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ये सब गोहान ने किया है ताकि हमारा ध्यान यहाँ रहे और वो राइकून को मार सके। अब सीन जाता है गोहान पर और वो स्माइल के साथ कहता है, अब ये डोर मेरा हुआ, मैं इसे खोल कर वो शक्ति हासिल करूंगा जिसका कोई जवाब नहीं है। अब गोहान उस डोर को जैसे ही खोलने की कोशिश करता है कि तभी वहां पर गोकू पहुंच जाता है और वो उस डोर को अपनी पावर से सील कर देता है, जिससे गोहान का मैजिक उस पर असर ना करे। गोहान कहता है, ये खुल क्यों नहीं रहा है? तभी गोकू कहता है, ये डोर कभी नहीं खुलेगा गोहान। गोहान अब गोकू को देखकर सीरियस हो जाता है। अब ग्रैंड मिनिस्टर भी वहां पहुंच जाते हैं और वो जैसे ही गोहान को देखते हैं तो वो गोहान को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर गोहान वहां से गायब हो जाता है। गोकू कहता है, गोहान ये तुमने ठीक नहीं किया, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, इसलिए अब तुम्हें मैं खुद ढूंढूंगा। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, गोकू इस डोर को हमें ठिकाने लगाना होगा। गोकू कहता है, अच्छा हुआ हम टाइम पर पहुंच गए। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था गोकू कि गोहान अब बदल चुका है और अब तुमने भी उसे साफ साफ देख लिया, यहाँ तक कि उसने राइकून को भी मार डाला। गोकू कहता है, हाँ ग्रैंड मिनिस्टर मैंने सब देखा और अब गोहान को सजा मैं खुद दूंगा। शुरुआत होती है मरनो पर और वो कहता है, उन्हें फिर हमारे बारे में पता चल गया और अब वो डोर भी उनके पास है। गोहान कहता है, लेकिन हम जो करने गए थे वो तो पूरा हो गया, तो अब किस बात का रिग्रेट? मरनो कहता है, तुम नहीं जानते गोहान, वो डोर मेरे लिए कितना कीमती है। गोहान कहता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मरनो कहता है, तुम उसकी छोड़ो और अब थोड़ा सोचो, क्योंकि तुम्हारा फादर तुमसे बहुत ही नाराज है। गोहान कहता है, हाँ और मुझे यकीन है कि वो मुझे पक्का ढूंढ निकालेंगे। मरनो बोलता है, नहीं हम अभी उनके हाथ नहीं आ सकते हैं। गोहान कहता है, तो हमारे पास कोई छुपने की जगह है क्या? मरनो कहता है, मैं कुछ सोचता हूँ, मगर हमें अभी अंडरग्राउंड ही रहना पड़ेगा जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता। अब राइकून के मरने की बात पूरे मल्टीवर्स में फैल जाती है, जहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट की बहुत ही बेइज्जती होती है। सिड्रा बोलता है, ग्रैंड मिनिस्टर के राज में ये क्या हो रहा है,
कोई भी किसी को भी मार कर चला जा रहा है। क्यूटेला कहता है, ये देखो इनके रहते डिस्ट्रॉयर्स मर रहे हैं और फिर ये चलाएंगे मल्टीवर्स। अब सीन जाता है बीरस पर और चैंपा पर। बीरस कहता है, गोहान ने आखिरकार उस राइकून को मार ही दिया। चैंपा कहता है, चलो मेरी मुसीबत तो कम हुई और मैं अब आराम से अपने प्लैनेट में जा पाऊंगा। बीरस कहता है, तुम कहीं नहीं जाओगे चैंपा। चैंपा कहता है, अब मेरा यहाँ पर क्या काम है बीरस, इससे आगे तो तुम ही संभाल सकते हो। बीरस कहता है, नहीं तुम्हें अभी अपनी गलती सुधारनी है। चैंपा कहता है, कैसी गलती बीरस? बीरस कहता है, तुम्हें यूनिवर्स 11 जाकर अपनी गलती को मानना होगा और उन्हें ये विश्वास दिलाना होगा कि तुम बेलमोट को वापस से जिंदा करोगे। चैंपा कहता है, और कुछ नहीं, मैं वहां नहीं जाने वाला। बीरस कहता है, सोच लो चैंपा, वरना मैं ग्रैंड मिनिस्टर को सब कुछ बता दूंगा। चैंपा कहता है, अजीब मुसीबत है यार। अब वजीटा वहां आ जाता है और कहता है, कैकरोट कहां है लॉर्ड बीरस? तभी गोकू भी वहां पहुंच जाता है और वो काफी गुस्से में होता है। गोकू कहता है, वो अपने आप को समझता क्या है कि वो मेरे इमोशन का फायदा उठाएगा, उसे ये सब करके बहुत मजा आ रहा है। वजीटा कहता है, कैकरोट क्या बात है तुम इतने गुस्से में? गोकू कहता है, वजीटा मैं तुम्हें एक काम सौंप रहा हूँ, तुम्हें जहाँ पर भी गोहान दिखाई दे तो तुम उसे खत्म कर देना। वजीटा ये सुनकर शॉक हो जाता है और बोलता है, होश में तो होना कैकरोट। गोकू कहता है, मैं होश में हूँ वजीटा। वजीटा कहता है, तुम अपने बेटे को मारने के लिए कह रहे हो? गोकू कहता है, तुम्हें नहीं पता वजीटा कि वो बेटा अब बड़ा हो चुका है और उसकी वजह से किसी और को नुकसान पहुंचे ये मैं नहीं चाहता हूँ। वजीटा कहता है, एक बार फिर सोच लो कैकरोट, कहीं बाद में तुम्हें अफसोस ना हो। तभी बीरस कहता है, यहाँ क्या चल रहा है, तुम दोनों कुछ भी बोले जा रहे हो, यहाँ कोई किसी को नहीं मारने वाला है, समझे तुम? गोकू कहता है, आपको नहीं मालूम है आज गोहान ने क्या किया है, इसलिए आप बीच में ना आए लॉर्ड बीरस। चैंपा बीरस से कहता है, तुम चुप करो और उसे शांत होने का टाइम दो वरना ये तुम्हें ही मार देगा। बीरस कहता है, तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। अब बीरस गोकू को देखकर कहता है, शायद तुम सही कह रहे हो चैंपा, ये गोकू आज कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। अब सीन जाता है गोहान पर और वो कहता है, मरनो कोई जगह पता चली? मरनो कहता है, वो लोग मुझे तो नहीं पकड़ पाएंगे मगर मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही है। गोहान कहता है, क्या मतलब? मरनो कहता है, मैं यहाँ का नहीं हूँ इसलिए मैं उन्हें दिखाई नहीं दूंगा, मेरी पावर्स मुझे उनसे आराम से बचा लेंगी, लेकिन तुम्हारी बॉडी यहाँ की है और तुम उनकी नज़रों में आराम से आ जाओगे। गोहान कहता है, मगर तुमने कहा था कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। मरनो कहता है, हाँ मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ रहा हूँ, मैं तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ इसलिए मैं तुम्हें एक परफेक्ट आइडिया दूंगा। गोहान कहता है, अच्छा तो क्या है वो आइडिया? मरनो कहता है, तुम्हें अपने किसी करीबी के पास छुपना होगा जहाँ पर किसी को शक ना हो। गोहान कहता है, मेरा तो कोई करीबी नहीं है, हाँ मगर डैड का एक करीबी है, हम वहाँ जा सकते हैं। मरनो कहता है, तो देरी किस बात की है। अब सीन जाता है चिल्ड पर और वो कहता है, जल्दी फैसला लो ब्रोली, हमारे पास टाइम नहीं है। अब ब्रोली बहुत सोचने के बाद कहता है, ठीक है चिल्ड, अब तुम यहाँ से जितनी दूर हो सके भाग जाओ। चिल्ड कहता है, तुम गलती कर रहे हो ब्रोली। अब चिल्ड वहां से भागने लगती है। कुंबर कहता है, भागने का कोई फायदा नहीं। तभी ब्रोली अपनी रेज में आने लगता है। चिल्ड स्माइल के साथ कहता है, कुंबर जाओ और इसे मजा चखाओ। तभी कुंबर का गुस्सा बढ़ने लगता है और वो ब्रोली पर हमला करने जाता है। तभी ब्रोली भी कुंबर से भिड़ने चला जाता है जिससे वहां पर तेज धमाके के साथ लड़ाई की शुरुआत होती है। दोनों ही आपस में वार कर रहे होते हैं। चिल्ड काफी तेजी से वहां से भाग रही होती है और ब्रोली और कुंबर दोनों ही आपस में लड़ने लगते हैं जिससे वहां की जमीन हिलने लगती है।
अकेले दौड़ते दौड़ते कहती है, लगता है कि उन दोनों की लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब ब्रोली और कुंभर एक दूसरे के पंचेस मारने लगते हैं कि तभी कुंभर थोड़ा ब्रोली पर भारी पड़ने लगता है और वो ब्रोली के पंच कर देता है, जिससे ब्रोली थोड़ा पीछे हो जाता है। चिंड कहता है, ब्रोली तुम कुंभर को नहीं हरा सकते हो, वो तुमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। कुंभर कहता है, आज तेरा खात्मा मैं करूंगा। अब सीन जाता है गोहान पर और वो आ चुका है जैनो के पास, जहाँ पर गार्ड्स कहते हैं, रुको भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्या लेने आए हो? मैं जैनो सामर से मिलने के लिए आया हूँ। जैनो कहते हैं, नहीं, कौन हो तुम? गोहान कहता है, मैं गोहान, सन गोकू का बेटा। जैनो कहता है, ओ, तो तुम गोकू के बेटे हो। गार्ड्स कहते हैं, आप इस पर विश्वास मत कीजिए जैनो सामा, क्या पता ये झूठ बोल रहा हो। गोहान कहता है, नहीं मैं एकदम सच कह रहा हूँ। तभी जैनो गार्ड से कहता है, तुम दोनों जरा साइड हटो और मुझे गोहान से बात करने दो। अब गार्ड्स गोहान को आगे आने देते हैं। गोहान कहता है, आपका शुक्रिया जैनो सामा। जैनो कहता है, हाँ गोहान, मैंने तुम्हें पहचान लिया, मगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गोहान स्माइल करके कहता है, मैं तो आप ही से मिलने आया हूँ जैनो सामा। जैनो पूछता है, क्या मुझसे मिलने? गोहान कहता है, हाँ डैड ने ही मुझे यहाँ पर भेजा है ताकि मैं यहाँ आपके साथ रह सकूँ और आप बोर नहीं होंगे। ये सुनकर जैनो स्माइल करता है। तभी गार्ड्स कहते हैं, नहीं तुम यहाँ नहीं रुक सकते हो, इसलिए भागो यहाँ से। जैनो कहता है, तुम बार बार बीच में क्यों आ रहे हो गार्ड्स? क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हें बाहर भगा दें? गार्ड्स कहते हैं, नहीं जैनो सामा, आप हमें मत भगाइए। अब सीन जाता है गोकू पर, वो गोहान को ढूंढ रहा होता है, साथ ही में वजीटा भी गोहान को ढूंढ रहा होता है। गोकू बोलता है, एक बार बस गोहान की सेंस हो जाए, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। वजीटा कहता है, काश गोहान मुझसे पहले कैकरोट को मिल जाए, क्योंकि गोहान मेरे हाथों से मरेगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अब सीन जाता है गोहान पर और वो कहता है, मैंने सुना है कि आपके पास बहुत सारे गेम्स हैं। जैनो कहता है, हाँ क्या तुम देखना चाहोगे? गोहान कहता है, क्यों नहीं। अब गोहान की ट्रिक वहाँ पर काम कर जाती है और गोहान जैनो के पैलेस में छुपने में कामयाब हो जाता है। वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोकू और वजीटा को गोहान की सेंस नहीं हो रही होती। वजीटा कहता है, क्या वो तुम्हें मिला क्या करोड़? गोकू कहता है, नहीं लेकिन वो ज्यादा दिन छुप नहीं पाएगा। गोकू और वजीटा को नहीं पता होता कि गोहान अब मल्टीवर्स के अंदर नहीं बल्कि बाहर है। अब हम चैंपा को देखते हैं जो कि यूनिवर्स 11 में आया हुआ है। टोपो कहता है, चैंपा तुम यहाँ? चैंपा कहता है, हाँ टोपो, मैं तुमसे और जिरेन से मिलने के लिए आया हूँ। जिरेन कहता है, कहिए आप यहाँ क्यों आए हैं? चैंपा कहता है, जिरेन टोपो, मैंने बहुत ही बड़ी गलती की है जिसके लिए मैं तुम दोनों से माफी मांगना चाहता हूँ। टोपो कहता है, मगर आप हमसे क्यों माफी मांग रहे हैं? चैंपा कहता है, क्योंकि मैंने वो गलती यहाँ यूनिवर्स 11 में की है और मैं जानता हूँ कि तुम दोनों मुझसे नाराज हो जाओगे, मगर फिर भी मैं यहाँ आया हूँ। जिरेन कहता है, आप बताइए भी क्या गलती हुई है? चैंपा कहता है, वेलमोल्ट की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। ये सुनते ही जिरेन और टोपो शॉक्ड हो जाते हैं। मैं ही हूँ वो जिसने वेलमोल्ट को मरवाया और मैं इस बात के लिए माफी मांगने आया हूँ। जिरेन कहता है, तुम्हारे माफी मांगने से क्या होगा, उससे लॉर्ड वेलमोल्ट वापस तो नहीं आएंगे? चैंपा कहता है, आएगा, वेलमोल्ट वापस आएगा और ये वादा है मेरा कि मैं सुपर ड्रैगन बॉल से उसे वापस ले आऊंगा। टोपो कहता है, हम तुम पर विश्वास कैसे करें? तभी बीरस वहां आ जाता है और कहता है, तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि मैं चैंपा से ये काम करवाऊंगा और थोड़े दिनों में वेलमोल्ट तुम्हारे पास होगा। टोपो कहता है, आप कहते हो तो हम ट्रस्ट कर लेते हैं लॉर्ड बीरस। अब सीन जाता है मरनो पर और वो गोहान से कहता है, गोहान हमारा तो जैकपॉट लग गया, इससे अच्छी जगह तो हमें कहीं भी नहीं मिल सकती है। गोहान कहता है, हाँ मगर हमें संभल कर रहना होगा क्योंकि ग्रैंड मिनिस्टर यहाँ पर चक्कर लगाते रहते हैं। मरनो कहता है, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन मेरे प्लान से चलोगे
तो ग्रैंड प्रिस्ट भी हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। गोहान पूछता है, हमें अब क्या करना है? मरनो कहता है, अगर हमें उस डोर तक जाना है तो हमें जैनो का यूज करना होगा, तभी हम कामयाब हो पाएंगे। है ब्रोली से और वो कुंबर के सामने खड़ा होता है। तभी ब्रोली कुंबर को पंच मारने जाता है, मगर कुंबर को ब्रोली के पंच का कोई असर नहीं होता। ब्रोली कहता है, इसे मेरे हमलों से कुछ क्यों नहीं हो रहा है? चिल्ड कहता है, तुम्हारे सभी अटैक बेकार हैं ब्रोली, तुम बस अब कुछ भी नहीं कर पाओगे। तभी कुंबर एक जोरदार पंच ब्रोली के चेहरे पर मार देता है, जिससे ब्रोली को काफी दर्द होता है। चिल्ड ये देखकर बहुत ही खुश होता है। कुंबर कहता है, अब तुम भी बाकी के लेजेंडरी सेंस की तरह मारे जाओगे। ब्रोली कहता है, मैं नहीं जानता हूँ कि तुम लोग कौन हो और ना ही मैं किसी लेजेंडरी सेंस के बारे में जानता हूँ। तभी कुंबर अपना पंच ब्रोली को दिखाते हुए कहता है, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे इतना स्ट्रॉन्ग क्यों हूँ? क्योंकि मुझे मेरे पूर्वजों ने अपनी शक्तियाँ दी है जिससे मैं तुम्हारा सर्वनाश कर सकूं। और तभी कुंबर एक और पंच ब्रोली के मार देता है, जिससे कि ब्रोली बेहोशी हो जाता है। अब कुंबर चिल्ड से पूछता है, क्या मैं इसे खत्म कर दूं? चिल्ड कहता है, नहीं कुंबर, रुक जाओ, ये आखिरी लेजेंडरी सेन बचा है, जिसे अगर तुमने मारा तो सारा मजा खराब हो जाएगा। हमें इसे अपना नौकर बना के रखना होगा, ताकि आने वाली सभी रेसिस हमारी ताकत को याद रखे। कुंबर कहता है, मगर इसे छोड़कर जाएंगे तो ये भाग जाएगा। चिल्ड कहता है, नहीं, ये कहीं नहीं जाएगा। जब तक इसकी प्रेमिका हमारी कैद में होगी, इसे आना ही होगा। कुंबर कहता है, जैसी तुम्हारी इच्छा। चिल्ड कहता है, चलो हमें दूसरे लेजेंडरी सेन को भी तो पकड़ना है। कुंबर कहता है, मगर आपने तो कहा था कि ब्रोली लास्ट लेजेंडरी सेन है। चिल्ड कहता है, हाँ, क्योंकि हम जिसके पास जाने वाले हैं वो अभी लेजेंडरी फॉर्म को बिल्कुल भी नहीं जानती है, तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। कुंबर कहता है, आपका दिमाग काफी तेज है। चिल्ड कहता है, अब जाओ और जाकर उस हरी लड़की को लेकर आओ, फिर हम अगले मिशन के लिए निकलते हैं। अब सीन जाता है गोहान पर और बोलता है, जैनो सामा के पैलेस में कितना आराम है मरनो, है ना? मरनो कहता है, हाँ तुमने सही कहा, आखिर वो ओमनी किंग है तो इतनी फैसिलिटी तो उनके लिए होनी ही चाहिए है। अब गोहान को गार्ड्स की आवाज सुनाई देती है, वो कहते हैं, आइए ग्रैंड मिनिस्टर। तभी गोहान कहता है, मरनो, ग्रैंड मिनिस्टर यहाँ आए हैं। मरनो कहता है, शांत रहो और कुछ मत बोलो। अब हमें ग्रैंड प्रिस्ट दिखाई देते हैं और वो कहते हैं, गार्ड्स, यहाँ पर सब ठीक तो है ना? गार्ड्स कहते हैं, हाँ ग्रैंड मिनिस्टर, आप बेफिक्र रहिए। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ठीक है, मैं मल्टीवर्स के कुछ इम्पोर्टेंट काम संभालने जा रहा हूँ, तो तुम जैनो सामा का ध्यान रखना। गार्ड्स कहते हैं, ये तो हमारा पहला काम है ग्रैंड मिनिस्टर, आप बिना टेंशन के जाइए। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, और हाँ, किसी बाहरी पर्सन को यहाँ आने मत देना। गार्ड्स कहते हैं, जी। अब ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से चले जाते हैं। तभी एक गार्ड कहता है, अरे अरे यार, हमने गोहान के बारे में तो बताया नहीं, ये मैं कैसे भूल गया। दूसरा गार्ड कहता है, पागल, गोहान बाहर का थोड़ी है, वो तो सन गोकू का बेटा है। दूसरा गार्ड कहता है, हाँ तुमने सही कहा। गोहान अब उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और कहता है, क्या तुमने वो सुना? मरनो कहता है, हाँ अब हमें कोई टेंशन नहीं है, और हाँ तुम क्या कह रहे थे कि तुम्हें यहाँ की फैसिलिटी पसंद आई? गोहान कहता है, हाँ मरनो, देखो कितना आलीशान महल है ये, और मल्टीवर्स से बाहर भी, जहाँ पर कोई टेंशन ही नहीं है, ना ही कोई खतरा। मरनो कहता है, तुम्हें पता है कि बहुत जल्द ये महल तुम्हारा होगा। गोहान बोलता है, क्या बात कर रहे हो, जैनो सामा का पैलेस, वो भी मेरा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मरनो कहता है, मैं मजाक नहीं करता हूँ गोहान, मैंने जो कह दिया वो होकर ही रहेगा, और बीच में आने वाले को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और मीरस पर। मीरस ग्रैंड प्रिस्ट से बोलता है, देखा फादर,
मैंने कहा था ना, ये राइकून कभी भी मर सकता है। अब देखिए, मेरी एंजेलिक पावर भी मुझसे चली गई। ग्रैंडब्रिज कहता है, शांत रहो मरनो, मैं तुम्हें तुम्हारी पावर्स वापस दिला दूंगा, तुम टेंशन मत लो। मीरस कहता है, ठीक है फादर। अब ग्रैंडब्रिज कहते हैं, इस गुहान ने तो मेरे सारे काम में पानी फेर दिया। यूनिवर्स 13 का सपना अब सपना ही रह गया। इसके बाद सीन जाता है गोकू और वेजिटा पर। वेजिटा कहता है, लगता है गुहान यहाँ नहीं है केकारोट। गोकू बोलता है, यहाँ नहीं है तो कहाँ जा सकता है वो। वेजिटा बोलता है, शायद वो किसी और यूनिवर्स में हो। गोकू कहता है, अगर ऐसी बात है तो सभी यूनिवर्स को खबर कर दो कि गोहान जहाँ कहीं भी है वो हमें इन्फॉर्म करे। वेजिटा कहता है, ठीक है। अब वेजिटा विश को बुलाता है और कहता है, विश सभी यूनिवर्स से कह दो कि अगर गोहान उन्हें कहीं भी मिले तो वो हमें बताए। विश कहता है, जी माय लॉर्ड, मैं अभी ये खबर उन्हें देता हूँ। अब सीन जाता है वापस से ग्रैंडब्रिज पर और कुसू उनसे मिलने के लिए आई हुई होती है। ग्रैंडब्रिज कहते हैं, क्या बात है कुसू, तुम यहाँ क्या करने आई हो। कुसू कहती है, फादर पूरे मल्टीवर्स में आपकी बदनामी हो रही है। ग्रैंडब्रिज सीरियस होकर कहते हैं, क्या बात कर रही हो कुसू। कुसू कहती है, जी फादर, और ये तब से हो रहा है जब से राइकून की डेथ हुई है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। ग्रैंडब्रिज बोलते हैं, ओ नो, ये तो गड़बड़ हो गई है। कुसू कहती है, फादर ये बात अगर ग्रैंड चैनो को पता चली। ग्रैंडब्रिज कहते हैं, नहीं, उन्हें इस बात का नहीं पता चलेगा। अब सीन जाता है मरनो पर और वो गोहान से कहता है, गोहान तुम्हें अब चैनो को ही रास्ते से हटाना होगा। गोहान कहता है, क्या बात कर रहे हो मरनो, चैनो को मारकर हमें क्या मिलने वाला है। मरनो कहता है, ऐसा करने से तुम्हें मल्टीवर्स की पावर मिल जाएगी। गोहान कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। मरनो बोलता है, तुम्हें पता है कि मल्टीवर्स में कितनी ज्यादा पावर एग्जिस्ट करती है। गोहान कहता है, मुझे नहीं मालूम। मरनो कहता है, आज से कई साल पहले एक दूसरे टाइमलाइन में एक ईविल ने मल्टीवर्स की पावर को चुराने की कोशिश की, मगर वो ऐसा करने में सफल नहीं हो पाया। ऐसा माना जाता है कि अगर उसे ये शक्तियाँ मिल जाती तो वो और भी कई गुना पावरफुल हो जाता, वो इमोर्टल बन जाता और पूरे मल्टीवर्स में उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। गोहान कहता है, तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम्हें नहीं पता है डैड की पावर का, वो मुझे एक सेकंड में धूल चटा देंगे। मरनो कहता है, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे डैड का भी हिसाब किताब कर देंगे, पहले तुम जैनो को अपना और अच्छा फ्रेंड बनाओ, तब तक मैं चैनो को बेहोश करने का मैजिक रेडी करता हूँ। गोहान कहता है, ठीक है। अब गोहान चैनो के पास जा रहा होता है कि तभी गार्ड्स कहते हैं, कहाँ जा रहे हो तुम गोहान। गोहान कहता है, मैं चैनो सामा के पास जा रहा हूँ। गार्ड्स कहते हैं, वो अभी सो रहे हैं। गोहान कहता है, ठीक है, मैं बाद में आऊंगा। गार्ड्स कहते हैं, रुको, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। गोहान पूछता है, जी कहिए। गार्ड्स कहते हैं, आज से पहले तो तुम यहाँ कभी नहीं आए, तो फिर अब कैसे आ गए। गोहान बोलता है, मैंने कहा ना, मैं डैड के कहने पर यहाँ आया हूँ। तभी एक गार्ड बोलता है, एक काम करते हैं, हम गोकू को ही यहाँ बुला लेते हैं। ये सुनकर गोहान घबरा जाता है और कहता है, तुम क्या भूल गए कि ग्रैंड मिनिस्टर ने किसी को भी यहाँ आने से मना किया है। गार्ड्स बोलते हैं, मगर ये बात तुम्हें कैसे पता। गोहान बोलता है, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो पिकोलो से पूछताछ करने लग जाता है। वेजिटा गुस्से में कहता है, गोहान कहाँ है पिकोलो। पिकोलो कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो वेजिटा, तुम कब से ये एक ही सवाल मुझसे पूछ रहे हो, मैंने कहा ना कि मैं गोहान के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। वेजिटा कहता है, तुम ही उसके दोस्त हो और मुझे यकीन है कि तुमने ही उसे कहीं पर छुपाया है। पिकोलो कहता है, तुम उसे गलत जगह ढूंढ रहे हो और मैं नहीं जानता कि तुम गोहान को ढूंढ क्यों रहे हो। वेजिटा कहता है, तो तुम उसके ठिकाने को तो जानते होंगे। पिकोलो कहता है, गोहान ने ऐसा कोई भी ठिकाना नहीं बनाया, इसलिए तुम जा सकते हो। वेजिटा कहता है, पिकोलो मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता हूँ, इसलिए सीधी तरीके से बता दो कि गोहान कहाँ है, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा।
पिकोलो कहता है, अपने डिस्ट्रॉयर होने का रोब कहीं और छाड़ना। मैं अपनी मौत से नहीं डरता हूँ, इसलिए ये धमकियाँ किसी और को जाकर देना। तुम्हें मुझे मारना है तो मार दो, मगर सच्चाई यही रहेगी कि मैं गोहान के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। अब सीन जाता है चिल्ड पर और वो आ चुका है यूनिवर्स 6 में। चिल्ड कहता है, काफी जानी पहचानी जगह लग रही है। कुंबर, जरा उन सेंस की सेंस करो। कुंबर कहता है, ठीक है। अब सीन जाता है कैबा पर और वो कोलिफ्ला से कहता है, कोलिफ्ला, ट्रेनिंग कैसी चल रही है? कोलिफ्ला कहती है, क्या खाक ट्रेनिंग चल रही है? हम यहाँ पर अकेले हैं, हमें यहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं देगा क्योंकि सब हमें बच्चा समझते हैं। केल पूछती है, कैबा, तुम्हें तो लॉर्ड वेजिटा खुद ट्रेनिंग देने आते हैं ना? कैबा कहता है, नहीं, वो पहले आते थे, उन्होंने मुझसे कहा कि वो मल्टीवर्स के काम की वजह से यहाँ आ नहीं पाते, इसलिए वो मुझे ट्रेन नहीं कर पाएंगे। कोलिफ्ला कहती है, देखा तुमने, उन लोगों का हम पर कोई ध्यान नहीं है, अब हमारा फ्यूचर हमारे ही हाथ में है। तभी चिल्ड कहता है, नहीं, तुम लोगों का फ्यूचर तुम्हारे नहीं बल्कि मेरे हाथ में है। कैबा कहता है, कौन हो तुम? चिल्ड कहता है, बताता हूँ, सब बताता हूँ, मगर उससे पहले अपने एक दोस्त से तो मिल लो। अब हमें कुंबर वहाँ दिखाया जाता है, जिसे देखकर कैबा घबरा जाता है और कहता है, ये कितना खतरनाक लग रहा है और इसकी पावर तो काफी ज्यादा है। चिल्ड कहता है, तो मिल ली अपने दोस्त से। कोलिफ्ला कहती है, तुम हमें इससे क्यों मिलवा रहे हो? चिल्ड बोलता है, क्योंकि ये तुम सभी की बहुत धुलाई करने वाला है। कैबा ये सुनकर शॉक हो जाता है। कोलिफ्ला कहती है, तुम लोग हमारी धुलाई करोगे, इससे पहले मैं तुम्हें ही धो दूंगी। तभी कैबा कहता है, कोलिफ्ला, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, अगर उसे गुस्सा आया तो वो हम सबको मार देगा। अब सीन जाता है बेहोश पर और वो बेहोश पड़ा होता है। तभी हमें कुछ अजीब से लोग दिखाई देने लगते हैं, उनमें से एक कहता है, वो यहाँ आया था, उसने इस सेंस की देखो क्या हालत बना दी है, लगता है कि अब इसे सच्चाई बताने का वक्त आ चुका है। ब्रोली से उसके सामने कुछ लोग खड़े होते हैं, उन लोगों की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि ब्रोली उनसे हील हो जाता है और उसे होश आ जाता है। अब जैसे ही ब्रोली को होश आता है, वो देखता है उसके सामने काफी बड़े बड़े लोग खड़े हैं, जिसे देखकर ब्रोली बहुत ही हैरान हो जाता है। ब्रोली बोलता है, तुम सभी कौन हो? तभी उनमें से एक शख्स सामने आता है और वो कहता है, हम तुम्हारे पूर्वज हैं ब्रोली। ब्रोली अब उनकी बात सुनकर काफी हैरान होता है और कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम मेरे पूर्वज हो? ब्रोली के पूर्वज कहते हैं, हाँ, और हम तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आए हैं। ब्रोली कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। तभी दूसरा पूर्वज जो कि काफी गुस्सेल होता है, वो कहता है, तुम्हारा अभी जिससे सामना हुआ वो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है और अब तुम उसे खत्म करोगे। ब्रोली कहता है, माफ कीजिएगा, मैं नहीं जानता हूँ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी एक और पूर्वज बोलता है, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ, हम सभी लेजेंडरी सेंट रेस से हैं और लाखों सालों पहले कुछ एवी लेजेंडरी सेंट भी होते थे और वो हमारी अच्छाई की ताकत से बहुत ही चलते थे। वो बुरे थे, इसलिए लोग उन्हें पसंद नहीं किया करते थे, वो जबरदस्ती लोगों को अपना गुलाम बनाया करते थे। तब उन सभी मासूमों की रक्षा के लिए हम लेजेंडरी सेंट्स को बीच में आना पड़ा और फिर हमारे बीच दुश्मनी हो गई। ब्रोली कहता है, अच्छा, फिर क्या हुआ? वो बोलते हैं, और फिर हमारे और उन एविल सेंस के बीच जंग छिड़ गई। पूरी जंग में हमारा दबदबा था, वो लोग हमारी पावर्स के सामने कुछ भी नहीं थे। हम एक एक करके उन एविल्स लेजेंडरी सेंस को मारते चले गए और फिर वहां पर शांति कायम की, सब ठीक हो गया, मगर किस्मत हमारे साथ नहीं थी। ब्रोली कहता है, क्या मतलब, आपने तो उन सभी को मार दिया था ना? वो कहते हैं, हाँ, हमने सोचा कि अब खतरा टल गया, मगर बाद में पता चला कि उनके पास एक ऐसा वेसल था जो उन सभी लेजेंडरी सेंस की पावर को संभाल सकता था और फिर उसने एक एक करके हम सभी को धोखे से मारा। ब्रोली कहता है,
तो आप सभी यहाँ पर क्या लेने आए हो? पूर्वज बोलते हैं, क्योंकि मरने के बाद हम उन एविल सेंस की तरह भटक रहे थे और हम एक परफेक्ट वेसल का इंतजार कर रहे थे ताकि वो हम सभी की पावर्स को होल्ड कर पाए और उस एविल सेंस का खात्मा कर पाए। ब्रोली कहता है, देखिए आप सभी ये स्टोरी किसी फिल्म वालों को सुनाना, आपकी फिल्म पक्की हिट हो जाएगी, मगर रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है। पूर्वज कहते हैं, तुम्हें क्या लग रहा है कि हम सभी मजाक कर रहे हैं? ये तुम्हारे अंदर की ग्रीन एनर्जी ऐसे ही बाहर आ रही है। तभी दूसरा पूर्वज कहता है, ब्रोली तुम सेंध का इतिहास जितना जानते हो ना, हमारा इतिहास उनसे कई गुना बड़ा है। हम सभी यहाँ पर ऐसे ही नहीं आए हैं, उन्हें पता है कि तुम हमारे वैसल हो और वो ये भी जानते हैं कि तुम हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, और एक बारी वो तुम्हें गुलाम बना लेते हैं तो समझो हम सभी उसके गुलाम हो जाएंगे। ब्रोली कहता है, ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, अब आप लोग ही बताओ कि मुझे क्या करना है। ब्रोली के पूर्वज कहते हैं, एक बार तुम हमारी शक्तियों का एक्सेस पा लेते हो तो तुम उस एविल को बड़ी आसानी से मार पाओगे। ब्रोली कहता है, आप लोगों की बातें सुनकर मेरा सिर दर्द कर रहा है। तभी वहाँ पर लैमो आता है और बोलता है, ब्रोली वो लोग चिले को ले गए। ब्रोली ये सुनकर शॉक हो जाता है। ब्रोली कहता है, ठीक है मैं रेडी हूँ, बताओ क्या करना होगा मुझे। लैमो कहता है, तुम किससे बात कर रहे हो ब्रोली? लैमो को ब्रोली के पूर्वज दिखाई नहीं देते, वो सोचता है कि ब्रोली फिर से पहले वाला ब्रोली बन चुका है। अब सीन जाता है चिल्ड पर और वो कहता है, तो अब मैं जो कुछ भी कहूंगा तुम्हें वो मानना पड़ेगा, ठीक है? कैबा डर के मारे कहता है, जी। चिल्ड अब कैबा और कोलीफ्ला से बोलता है, तुम और तुम, तुम दोनों हमारे लिए कचरा हो, इसलिए तुम दोनों यहाँ से जाओ। कैबा कहता है, और कैल का क्या? चिल्ड कहता है, वो हमारे लिए रेयर सेन है, इसलिए हम उसे यहाँ से ले जाएंगे। कोलीफ्ला कहती है, बिल्कुल भी नहीं, कैल यहाँ से कहीं नहीं जाएगी और मैं उसे बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने वाली हूँ। चिल्ड कहता है, अगर नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। कोलीफ्ला कहती है, तुम टिड्डे से मुझे मारोगे। चिल्ड कहता है, मेरा मतलब कि कुंवर तुम सभी को मार देगा। तभी कैल कहती है, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए तुम दोनों चले जाओ यहाँ से। चिल्ड जोर जोर से हंसने लगता है, ये बच्ची हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, इसलिए अभी भी वक्त है, भाग जाओ। तभी कोलीफ्ला अपने आप को सुपर सेन में बदल लेती है और कहती है, बस बहुत हुआ, कैबा मेरा साथ दो। अब कैबा भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है, ठीक है इसे हम साथ में मजा चखाएंगे। तभी कोलीफ्ला और कैबा एक साथ कुंबर पर हमला करने लगते हैं, मगर कुंबर नॉर्मली खड़ा होता है जैसे उसे कुछ हो ही नहीं रहा होता। कुंबर कहता है, तुम सभी बस एक मच्छर हो मेरे सामने और मैं तुम्हें ऐसा दर्द दूंगा जिसकी तुमने इमेजिनेशन भी नहीं की होगी। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो वजीटा से नॉर्मली पूछता है, वजीटा तुम्हें गोहान मिला? वजीटा कहता है, नहीं मैंने पिकोलो से बहुत पूछताछ की मगर कुछ भी नहीं पता चला, और पूरे मल्टीवर्स में किसी को भी गोहान की सेंस नहीं हुई। गोकू कहता है, फिर तो अब एक ही जगह बच गई है। वजीटा कहता है, तुम जैनोसामा के पैलेस की तो बात नहीं कर रहे हो? गोकू कहता है, हाँ वजीटा मुझे थोड़ा शक हो रहा है। वजीटा कहता है, वहां पर तो मैं नहीं गया तो गोहान क्या जाएगा? गोकू कहता है, पता नहीं कुछ कह नहीं सकते। अब सीन जाता है गोहान पर और वो मरनो से कहता है, ये तो काफी बोरिंग जगह है। मरनो कहते हैं, हाँ बहुत ही बोरिंग, पर क्या करें हमें यहीं रुकना पड़ेगा। गोहान कहता है, मैं एक बार अपनी फैमिली से मिलना चाहता हूँ मरनो। मरनो कहता है, मगर वहाँ सेफ नहीं है गोहान। गोहान कहता है, कोई बात नहीं मैं ध्यान रखूंगा। मरनो कहता है, ठीक है मगर उनके हाथ मत लगना। गोहान कहता है, हाँ ठीक है। अब गोहान वहाँ से जा रहा होता है कि तभी गार्ड्स कहते हैं,
कहाँ जा रहे हो तुम? गोहान बोलता है, वो मैं अपनी फैमिली से मिलकर आ रहा हूँ। गार्ड्स कहते हैं, तुम ऐसे बिना बताए कहीं नहीं जा सकते हो। गोहान कहता है, मगर मैं अभी जाकर आ जाऊंगा। गार्ड्स कहते हैं, नहीं, जब तक जैनोसामा ऑर्डर नहीं दे देते हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। गोहान कहता है, ओके तो कहाँ है जैनोसामा? अब जैनो वहाँ आ जाता है और बोलता है, उसे जाने दो गार्ड्स। गार्ड्स कहते हैं, आप श्योर हैं जैनोसामा? जैनो कहता है, हाँ मैं श्योर हूँ, गोहान को जाने दो। गार्ड्स कहते हैं, तो फिर ठीक है, तुम जा सकते हो गोहान। गोहान जैनो को शुक्रिया कहकर वहाँ से चला जाता है। अवलीन जाता है गोकू पर और वो वजीटा से कहता है, वजीटा मैं एक बार जैनो के पैलेस में जाकर आ रहा हूँ। वजीटा कहता है, ठीक है कैकरोट, लेकिन अब तुम्हें शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि राइकुन का मरना उसी की गलती की वजह से हुआ। गोकू कहता है, मुझे पता है वजीटा, मगर गोहान हमें धोखा दिए जा रहा है, इसलिए मैं उससे नाराज हूँ। वजीटा कहता है, चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। गोकू अब स्माइल करता है और वो वहां से चला जाता है। अब बीन जाता है गोहान पे और वो विडिल से मिलने आता है। गोहान कहता है, विडिल कैसी हो तुम? विडिल कहती है, तुम इतने दिन कहाँ पर थे? गोहान कहता है, वो मेरी एक नई जॉब लगी है, बस उसी काम से बाहर गया था। विडिल कहती है, अच्छा तुम्हारी नई जॉब लगी है? गोहान कहता है, हाँ और मैं वही तुमको दिखाना चाहता हूँ। विडिल कहती है, मैं कुछ समझी नहीं। गोहान बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम और पेन मेरे साथ चलो। अब सीन जाता है गोकू पर और वो जैनो के पैलेस में आ जाता है और कहता है, हाय जेनी कैसे हो तुम? जैनो बोलता है, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ गोकू, और तुम्हें यहाँ देखकर और बढ़िया हो गया हूँ। तुम बताओ तुम कैसे हो? गोकू कहता है, मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। जैनो बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया गोकू। गोकू पूछता है, शुक्रिया किस बात के लिए जेनी? जैनो कहता है, तुमने गोहान को यहाँ बेचकर मुझे बहुत ही खुश कर दिया। गोकू अब गोहान का नाम सुनकर शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या गोहान यहाँ आया था? गार्ड्स कहते हैं, क्या बात है, तुम ऐसे शॉक क्यों हुए? गोहान को तुमने यहाँ नहीं भेजा था क्या? गोकू कहता है, अभी वो कहाँ है? गार्ड्स कहते हैं, वो तो चला गया कब का? गोकू पूछता है, कब गया वो यहाँ से? गार्ड्स कहते हैं, कुछ देर पहले वो यहाँ से गया, उसने कहा कि उसे उसकी फैमिली की याद आ रही है, तो वो उनसे मिलने के लिए जा रहा है। गोकू अब परेशान हो जाता है और कहता है, इसका मतलब मेरा शक सही था, मगर अब मुझे जल्दी करनी होगी। गार्ड्स पूछते हैं, क्या बात है गोकू, कोई प्रॉब्लम है क्या? गोकू कहता है, नहीं नहीं गार्ड्स, आप दोनों बस ग्रैंड जेनो का ख्याल रखना, अब मैं चलता हूँ। जेनी ओके। इसके बाद सीन जाता है गोहान पर और विडिल गोहान से बोलती है, गोहान हम कहीं नहीं जा रहे हैं। गोहान पूछता है, मगर क्यों विडिल, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह ले जाऊंगा। विडिल कहती है, नहीं यहाँ पर हमारे लोग हैं, इसलिए हम कहीं नहीं जाएंगे, और अभी तो पेन का स्कूल भी पूरा नहीं हुआ। गोहान कहता है, वो सब मैं संभाल लूंगा, तुम टेंशन मत लो। विडिल कहती है, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी कोई नौकरी नहीं लगी है, तुम एक क्रिमिनल हो। गोहान कहता है, ओह तो डैड नहीं तुम्हें ये सब बताया होगा। तभी वहाँ गोकू आ जाता है और कहता है, हाँ गोहान और अब तुम्हारा खेल खत्म। गोहान गोकू को देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है, आप यहाँ? गोकू कहता है, शॉक लगाना, मैं अभी अभी जैनो से मिलकर आ रहा हूँ, गार्ड्स ने मुझे सब बता दिया है। गोहान कहता है, अच्छा इसका मतलब अब मैं फंस चुका हूँ। गोकू कहता है, हाँ। तभी गोहान विडिल से गुस्से में बोलता है, ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है विडिल। गोकू कहता है, उसे कुछ मत बोलो क्योंकि मैंने उसे ऐसा करने के लिए कहा है। गोहान कहता है, तो अब आप मुझे जाने नहीं देंगे? गोकू स्माइल करके कहता है, ये तुम भी जानते हो कि अब तुम कहीं नहीं जा सकते हो। अब गोहान भी स्माइल करके कहता है, मतलब कि अब मुझे आपको हराना होगा, चलो ठीक है आज फाइट हो ही जाए।
सो हेलो गाइज, कैसी लगी वीडियो? मजा आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।